शारदीय नवरात्र और मिशन शक्ति के तहत सेंट कोनार्ड की 10वीं की छात्रा गौरी वाशने को सोमवार को एक दिन के लिए थाने का प्रभारी बनाया गया। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने आदेश दिया था कि डीसीपी सिटी सूरज राय के सामने कार्यभार सौंपा गया। एसीपी मयंक तिवारी और प्रभारी निरीक्षक आनंद शाही मौजूद रहे। थाना प्रभारी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद गौरी वाशने ने महिला हेल्प डेस्क कार्यालय और साइबर हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। छात्रा गौरी ने गांव कटवारी अशनेरा के रहने वाले संदीप और उनकी मां की शिकायत सुनी। पीड़ित ने गौरी को बताया कि 18 अक्टूबर को अरतौनी पुल के पास से ईंट का ट्रक खरीदा था। ट्रक चालक और मंडी के ठेकेदार ने संदीप से एक नंबर की ईंट की धनराशि ली थी, जबकि उन्हें पीली ईंट का ट्रक दे दिया गया। थाना प्रभारी बनी गौरी वाशने ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। अन्य फरियादी को भी उनकी समस्या का जल्द समाधान होने का आश्वासन दिया। मैं गौरी सेंट कॉनरेड जिंटा कॉलेज से, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और आज मैं यहाँ पे सिकंदरा थाने में आई हूँ आज का कार्यभार संभालने के लिए और देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या होता है। इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा क्योंकि इन फ्यूचर मेरे को बड़े होके आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम देना है और उसको पास भी करना है। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई मेरे को? अराउंड 2016 में एक मूवी आई थी ट्रैफिक, उसमें मेन रोल वाज एक पुलिस ऑफिसर का था। उस वो मूवी मैंने लॉकडाउन में देखी थी और उस तब से मेरे को था कि बड़े होके मेरे को कुछ करना है और पुलिस वाली लाइन में ही करना है, क्योंकि एक जो पुलिस ऑफिसर की लाइफ होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। उनको अपना घर भी देखना होता है और हम लोगों को भी उतना ही करते हैं और किसी भी टाइम मतलब हेल्प के लिए रहते हैं। तो एक तरह से ये मेरे ड्रीम के लिए एक फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ पे आना, देखना, सीखना, तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो गया। और मैं अब जब यहाँ से जाऊँगी तो अपने फ्रेंड्स को भी बताऊँगी कि यहाँ पे मैंने क्या सीखा, क्या क्या होता है पूरे दिन स्ट्रगल। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन शक्ति फेज 4 शुरू हो चुका है और आगरा पुलिस लगातार मिशन शक्ति के अंतर्गत तमाम सारे स्कूल और विद्यालयों में जाकर महिला सुरक्षा संबंधी जो भी पुलिस के मेजर्स हैं उनको बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं और इस संबंध में लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत और इसी कार्यक्रम के क्रम में आज गौरी, जो कि सेंट कॉनरेड्स में पढ़ती हैं, छात्रा हैं, ये इनको थाना प्रभारी का कार्य जो दिन भर का होता है ये देखेंगी और करीब से समझेंगी कि कैसे पुलिस अपना काम करती है और विशेषतः कैसे जो महिला सुरक्षा का काम है उसमें पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और इस ये सब कार्यक्रम इसलिए भी किया जा रहा है कि एक कम्युनिटी आउटरीच के तहत ये बात बच्चे समझें और जब ये अपने घर जाएँ और अपने स्कूल में जाएँ तो इन बातों को का प्रचार प्रसार और अच्छे से और इफ़ेक्टिवली हो सके। इस सभी कार्यक्रम में आप पत्रकार बंधुओं से आप सभी का सहयोग भी अपेक्षित है ताकि जो भी पुलिस के मेजर्स हैं तो तमाम किसी महिला संबंधी अपराध या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या किसी अन्य परिस्थिति में जो हमारे एक्शन होते हैं वो आप सभी समझ सकें और उसका प्रचार प्रसार कर सकें ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और समाज से इस तरह की जो इस तरह के अपराध हैं उनमें हम कमी ला सकें। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।